कारीगर नाम तुम्हारे, एक संदेशा आया है इल्म से जिसने हुनर को सींचा, बाग वही लहराया है, बाग वही लहराया है। ज्ञान का सूरज जब भी चमका, राह हजारों हुई रोशन, कुछ तुम भी पढ़ो, कुछ तुम भी पढ़ो, इन राहों ने तुम्हें बुलाया है। सुनो कारीगर नाम तुम्हारे, एक संदेशा आया है इल्म से जिसने हुनर को सींचा, बाग वही लहराया है, बाग वही लहराया है। काली, आजकल पत्तों में कौन सा नशा लपेट कर देती है? मेरी तरफ आना, तेरा वो नशा भी उतार दूंगी। तेरे घर वाले के क्या हाल हैं? तू तो उसके मरने के इंतजार कर रहा होगा। कैसा होगा, खासता रहता है दिन भर। क्या बात है काली, आजकल तेरा बनाया हुआ माल बहुत गीला आ रहा है। अब छाता कैसे लगा दूं, तुम्हें माल सुबह भी चाहिए और रोज की एक बूंद भी ना हो। ये लो पूरे 55 हैं, अब इसको 50 मत गिनना। रामू जरा मेरे लिए तंबाकू और पत्ता तो निकाल। इसे गिनना भी आता है क्या? सेंटर वाली ने सिखाया है ना। ठाकुर साहब इससे होशियार है ना, सेंटर वाली ने और भी बहुत कुछ सिखाया होगा इसे। तू चिंता मत कर, मैंने भी आंखें नहीं मूंद रखी। अब तो मैं इनको इतनी मोहलत भी नहीं देता कि अपनी रोजी रोटी और घर के अलावा कुछ सोच सकें, ना सेंटर के बारे में और ना सेंटर वाली के बारे में। अरे काली, कहाँ से आ रहे हो भाई? पीड़ी कारखाने से। सेंटर आना क्यों छोड़ दिया? वो कारखाने में बीड़ी बनाते बनाते पीना भी पड़ता है क्या? हाँ मैं पीती हूँ। अब भला काजल की कोठरी में कोई बेदाग कैसे रह सकता है? काली छोड़ दो उस कोठरी को। फिर खाऊंगी क्या? और घर वाले? घर वालों को तो तुम मौत बांट रही हो और खुद भी। काली तुम्हें अर्जुन की हालत देखकर डर नहीं लगता? मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन उसके लिए तुम्हें सेंटर आना होगा एक बार फिर से। सोच लो, फैसला तुम ही करना है। मैं चलती हूं। बीड़ी के कारखाने में बीड़ी पीनी भी पड़ती है क्या? काली तुम्हें अर्जुन की हालत देखकर डर नहीं लगता? तो छोड़ दो बीड़ी बनाना। फिर खाऊंगी क्या? और घर वाले? घर वालों को तो तुम मौत बांट रही हो। छोड़ दो बीड़ी बनाना। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन उसके लिए तुम्हें सेंटर आना होगा एक बार फिर से। मैं क्या करूं,
मैं क्या करूं? लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम साक्षरता केंद्रों में सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने नहीं आते हैं, बल्कि समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को समझने की कोशिश भी करते हैं। अरे काली, आओ आओ, तुम्हें साक्षरता केंद्र में फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बैठो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि क्या सही है क्या गलत है ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम सब लोग पूरी तरह से साक्षर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें आज का सबक। हाँ जी। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे कल अरे रुकमा रुक तो, रेलगाड़ी के इंजन की तरफ क्यों भागी जा रही है? इंजन, इंजन से अच्छा याद आया, ला बीड़ी दे, जरा वो उड़ा ले, ला ला, माचिस भी दे। माचिस नहीं है मेरे पास, बीड़ी है और माचिस नहीं है, ये क्या बात हुई? अच्छा काली, एक बात तो बता, आजकल तू उड़ी उड़ी क्यों रहती है? देख रुकमा, जांच पड़ताल मत कर, मैं तेरी बांदी नहीं हूँ कि तेरे को दिया सलाई दूं, बीड़ी दूं, आग दूं। अरे अरे, क्या बात है, सुर बदले हुए हैं तेरे, कहीं फिर से सेंटर जाना तो शुरू नहीं कर दिया? इसमें बुरा क्या है, सेंटर जाने से सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं मिलता बल्कि अच्छी और बुरी बातों की भी जानकारी मिलती है, और मेधा दीदी से बेहतर ये कौन जानता है। मेरी बात मान, तू भी मेरे साथ सेंटर चलना शुरू कर दे। लगता है अब मुझे भी सेंटर जाना ही पड़ेगा। क्या बात है, सुर बदले हुए हैं तेरे, कहीं फिर से सेंटर जाना तो शुरू नहीं कर दिया, कहीं फिर से सेंटर जाना तो शुरू नहीं कर दिया। हाँ, तो जब मैं बोलूंगी तो सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है? ठीक है। लेकिन जोर से और मिलके। शाबाश। हमको कहना खरा खरा, हमको कहना खरा खरा, बीड़ी पीना बहुत बुरा, बीड़ी पीना बहुत बुरा, शब्द निकलते जरा जरा, शब्द निकलते जरा जरा, बीड़ी पीना बहुत बुरा, बीड़ी पीना बहुत बुरा। आज तो देख देख कैसे घूर रहा है तुझे, ये तो ऐसे ही है, कुछ बात तो है। अरे काली, वो सेंटर वाली से आजकल तेरा बड़ा यार ना चल रहा? मेधा दीदी की बात कर रहे हो तुम? हाँ, गांव के काफी लोग उनसे पढ़ने आते हैं,
तेरी मैदा को भी कर देंगे सीधा। अरे सुन, तू जिस पत्तल में खा रही है ना उसी में छेद कर रही है। ये बीड़ी के खिलाफ काहे की उटपटांग बातें फैला रही है? अब जो सच है वो कभी ना कभी तो सबके सामने आएगा ही। दसियों साल से लोग बीड़ी पी रहे हैं, किसी को कुछ हुआ? अभी किसी को क्या पता कि किसको किससे क्या परेशानी होती है। अच्छा, तो अब सबकी जांच तू करेगी? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब कि तू सुधरने वाली नहीं है? मेरे सुधरने की बात छोड़ो, मगर हाँ अगर तुम सुधर जाना तो इस गांव का भी भला हो जाए। चल। आ गई तू? सुना नहीं? सुना तो। अरे कब से तेरी राह देख रही हूँ, ला बीड़ी दे। मैं बीड़ी नहीं पीती अब। अच्छा, वो जो रोज मेरे लिए लाती थी सो? मैं चोरी नहीं करूंगी। अरे बीड़ी तो ले आ, पैसे अपनी मजूरी में से कटवा दियो। मेरी कमाई धुएं में फूंक निकले नहीं है। ये आज कैसी बातें उड़ा रही है तू? अरे तुम्हारे फेफड़े जल के राख हो जाएंगे। जो होना था ना वो तो हो चुका। मेरे हाथों से नहीं मिलेगी तुम्हें बीड़ी। अच्छा, अब तुम मुझसे जबान लड़ाएगी? अरे दीवार से लड़ दूंगी तेरा मुंह। हाँ, वो नहीं कर पाओगी तुम। समझती क्या अपने आप को? क्या हुआ? अरे ये तेरी मेहरिया मुझे तो बीड़ी के लिए तरसा रही है। बीड़ी के लिए तो मैं भी आया था, और मंगल सनीचर को तो ये बड़का बंडल लेके आती है। वही तो। हाँ, बड़के बंडल का बड़का धुआं पेट में। देख, जो तेरा काम है ना वही किया कर, समझी? ये फालतू काम का नहीं। सुनो, मैं कौवा नहीं जो काम काम करूं। काली हूँ, एक औरत, और मेरी जनानी भी। तुम मर्द हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर गलत चीज को सही साबित करते रहोगे। अरे दोनों माँ बेटे का दिमाग खराब हो गया है, जब देखो रात में खौखा करते रहते हैं। और बीड़ी का बंडल लेकर आ। नहीं लाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? ये बना आ, और इसमें आ की मात्रा लगी तो ये बना आ। आ से होती है आदत। क्या होती है? आदत। अब आदत जो है वो दो किस्म की होती है। एक आदत बहुत अच्छी आदत, जैसे कि कोई मदद करना किसी की, जैसे कि आप लोग हर किसी की मदद करते हैं, है ना, ये बहुत अच्छी आदत है। और दूसरी जो आदत है वो है बुरी आदत। बुरी आदत यानी कि जैसे बीड़ी पीना। बीड़ी पीना बुरी आदत है भाई? बीड़ी पीना बुरी आदत है तो दारू भिजवा दूं? क्या बदतमीजी है ये? तो तुम मुझे तमीज सिखाओगी अब? सेंटर में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये लो, सेंटर में नहीं तो कहीं और मिल लें। मैं तुम्हारी मुलाजिम नहीं हूँ। अजी, हमारे नीचे तो वो सारे हैं जो इस गांव में रहते हैं, और फिर आप कोई बाहर की थोड़े ही। मुझ पर तुम्हारी ये धौंस नहीं चलने वाली। मैंने कब कहा? मैं तो कहता हूँ कि तुम इसी तरह पढ़ाती लिखाती रहो, मगर गाँव वालों को भड़काना बंद करो। मैंने तुम्हारे खिलाफ किसी को नहीं भड़काया है। बीड़ी के खिलाफ तो भड़काया है ना? ये तो अपनी अपनी इच्छा है, कोई पिए ना पिए। देखो टीचर, इस गांव को मैंने जिंदा रखा है, और ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो मेरे कर्ज के नीचे नहीं दबा हुआ। हाँ, और जो एक बार उधार के शिकंजे में फंस गया तो फंसता ही चला गया, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दीदी। दीदी, कर्जा चुकाते चुकाते हाड़ गल गए हमारे, और मेरा भाई तो खांस खांस के मर गया। जब देखो उंगली में बीड़ी फंसी रहती थी। मतलब कि आग फैल चुकी है? हाँ, बहुत दूर तक। अरे तू ना ही बोल तो अच्छा है, तेरी रोजी रोटी तो मेरे कारखाने से ही चलती है ना, आएगी तो पूछूंगा। धमका क्यों रहा है? अरे तेरी चोटी तो मेरे हाथ में है। अरे आज के बाद तेरे कारखाने में पैर भी नहीं रखूंगी मैं। क्या कहा? देख ले, बिल्कुल नहीं रखूंगी। चल गालू।
अरे काली तुम आ जाओ अंदर आ जाओ। अरे बैठो ना। क्या बात है काली, परेशान हो? कहीं तुम्हें अपने फैसले पर अफसोस तो नहीं हो रहा? कौन सा फैसला? बीड़ी के कारखाने में ना जाने का। दीदी। हाँ हाँ बोलो काली। दीदी मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बूढ़ी सास, बीमार पति, सारा घर मुझ पर ही तो निर्भर है, और मैं हूं कि मेरे घर का क्या होगा? आओ तुम्हें एक चीज दिखाऊं, आ जाओ। जानती हूँ ये क्या है? ये टाइपराइटर है, एक बेजान सी चीज है, एक लोहे की मशीन, लेकिन अगर इसे चलाना सीखो तो बहुत काम की चीज है, रोजगार का साधन। लेकिन मेरी है किस काम की? काली क्यों निराश नहीं हुआ करते, भरोसा करना सीखो। देखो अपनी इन उंगलियों के हुनर को पहचानो, ये सिर्फ तेंदू के पत्तों को बीड़ी की शक्ल देने के लिए नहीं है। देखो काली अक्षरों का ज्ञान तो तुम्हें है ही, बस एक बार इस मशीन को तुम्हारी उंगलियों की पहचान हो जाए फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। काली तुम्हें बहुत आगे जाना है, मेरा यकीन करो। वो ठेकेदार कह रहा था कि क्या कह रहा था वो? अच्छा अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। अब बोलो भी क्या कह रहा था वो? तुमने बीड़ी के कारखाने में जाना बंद कर दिया। अच्छा अब ये फिकर है कि मुफ्त में बीड़ी कहाँ से मिलेगी? रोटी कहाँ से मिलेगी? रोटी कैसे नहीं मिलेगी, उसके लिए खटर पटर जो कर रही हूँ मैं। खटर पटर चाचा की गले में रस्सी डाल लो। मैं क्यों मरूं? मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा? जहाँ से मैं खाऊंगी। क्या करें, बीड़ी बना के नहीं ये काम कर। इस मनमानी औरत के साथ रहना बेमतलब है। तो छोड़ दो मुझे। छोड़ दूंगा तो किसके साथ सती होगी, जरा मैं भी तो सुनूं। किसी के साथ सती होना जरूरी नहीं है। अच्छा तेरी जबान बहुत चलने लगी है, अगर कल से बीड़ी के कारखाने में ना गई ना तो लठ से तेरा कपार फोड़ दूंगा, समझी? लट उठा नहीं पाओगे तुम, क्योंकि जिस बीड़ी के कारखाने में तुम मुझे भेज रहे हो उसने तुम्हारा फेफड़ा जला दिया है। मेरे मरने की राह देख रही है ना? मेरे हाथों में किसी की जिंदगी और मौत कहाँ, लेकिन जो कारखाना मौत बांट रहा है उसकी राह तो कभी नहीं करूंगी मैं। सौरभ का तो माथा खराब हो गया। और तुम्हारा फेफड़ा जिसका इलाज भी मैं ही कराऊंगी। यूं हुई काली के संघर्ष की शुरुआत।
एक तरफ मौत के दरवाजे पर खड़े बीमार पति अर्जुन को वापस खींच लाने की जिद, तो दूसरी तरफ भविष्य पर लगे प्रश्न चिन्ह को मिटाने की उत्कट लालसा। लड़ाई दो तरफा थी मगर लगन सच्ची, इतनी सच्ची कि ज्यादा वक्त नहीं लगा पत्तों पर रेंगने वाली उंगलियों को मशीनों का अभ्यस्त बनते हुए। वक्त गुजरता गया, दिन बीतते गए, बेहतर तो नहीं हुए पर बदले जरूर। अर्जुन की वापसी हुई और काली ने अपने अस्तित्व को भी जिंदा रखा। ये जीत थी उस लड़की की जो कभी बीड़ी बनाया करती थी, उस काली की जो सिर्फ सातवीं कक्षा तक पढ़ी थी। आखिरकार वो दिन भी आया जब उम्मीद की किरणों ने काली के दरवाजे पर दस्तक दी। काली? अरे दीदी, कितने दिनों बाद आए हो आप। बस ऐसे ही, वहां मेरी तबीयत खराब हो गई तो आ ही नहीं सकी। अच्छा तू बता, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। जरा एक ग्लास पानी तो दे। लाई। ये बता, अर्जुन के क्या हाल है? दीदी उसका इलाज महीने के आखिरी तक चलेगा। अच्छा? डॉक्टर ने पूरे 9 महीने का इलाज बताया था उसका। चलो अच्छा है। ये तो बता, बीड़ी तो नहीं पीता अब? नहीं, अब तो छूता भी नहीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुन, तेरे लिए खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कस्बे में जाना होगा। कस्बे में? हाँ कस्बे में, वहाँ मेरी एक दोस्त है सुजाता, वकील है, उन्हें एक टाइपिस्ट की जरूरत थी तो मैंने तुम्हारी बात कर ली। अच्छी तनख्वाह मिलेगी, इसलिए तुम कल ही काशीपुर चले जाना, ठीक है? काशीपुर? हाँ भाई, ज्यादा दूर थोड़ी है, साइकिल से तो 1 घंटा लगता है। साइकिल से? दीदी क्या बात कर रहे हो आप। काली देखो, तुमने पढ़ना सीखा ना, टाइपिंग भी सीख ली, तो साइकिल चलाना कौन सी मुश्किल बात है। और जब तक तुम साइकिल चलाना सीख जाओगी तब तक तुम वहीं रहोगी सुजाता के पास, मैंने वहां तुम्हारे रहने का भी इंतजाम करवाया है, ठीक है? अच्छा सुन, अब ये खुशखबरी जाकर अर्जुन को सुना, जा जल्दी जा। कितना अच्छा हुआ, तुम्हें अच्छा काम भी मिल गया और पैसे भी इकट्ठे मिला करेंगे। तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब आगे बढ़ो तो पीछे की चीज तो छूटती है ना। ये क्या कहते हो, तुम पीछे की चीज नहीं हो। तुम्हारे पैरों के निशान पर पैर रखकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे धुएं से निकाला, मुझे जीवन दिया और पढ़ाया भी तो। खैर छोड़ो, क्या लिखा है आज? विनयम् विनयात्याति पात्रता पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्म ततः सुखम्